शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च ईकारांत नपुंसक लिंग। वर्ग सप्तम कक्षायां अहम कृष्णानंद झा अस्मि, ईकारांत नपुंसक लिंग। अधोलिखितम संवादम पठत, यह जो संवाद मतलब बातचीत है इसको पढ़िए। वृद्ध जन अति निर्मलम वाणी एतत्, वृद्धजन कहते हैं यह बहुत निर्मल वाणी, वाणी मतलब होता है जल, यह जो जल है बहुत निर्मल है, सुंदर है, अच्छा है। अन्य जन आम, अन्य लोग जो वहाँ पर बैठे हैं वो कहते हैं हाँ सही बात है। वृद्ध जन वाणी एप एव पिबंती जन, जल लोग पीते हैं। अन्य जन सत्यम, हाँ सत्य बात है। वृद्ध जन वाणिना एव जनानां जीवनम, वृद्ध कहते हैं जल ही जीवन है, लोगों का जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो लोग का जीवन संभव नहीं है। अन्य जन वाणिने एव किम किम कुर्वन्ति जन, जल से क्या क्या करते हैं लोग, वृद्ध जन करते हैं। वाणिभ्य विद्युत निस्सरति, जल से तो जीवन है ही, लेकिन जल से विद्युत मतलब लाइट लाइन भी निकलता है। विद्युत मतलब होता है अग्नि, मतलब लाइट, जो बॉल बढ़ता है घर में वो लाइट। निस्सरति अन्य जना सत्यम एतत्, यह तो सत्य बात है। वृद्ध जना गंगाया वारिणी स्नानत्वा पुण्यम अर्जयंती जना, गंगा का जल स्नान करके पुण्य अर्जित करता है। गंगा के जल में, गंगा के वाड़ी में अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है तो उससे वह पुण्य अर्जित करता है। अन्य जना हे वाड़े कियति महती शक्ति विद्यते त्वयि एव, हे जल इतने शक्ति है जल में। उपरी संवादे वाणी शब्दस्य विविध विभक्तेषु रूपाणि सन्ति, ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें विविध विभक्ति का रूप प्रयोग किया गया है। यह जो जितना रंगीन शब्द है या सभी रंगीन शब्द में कारक का अलग अलग रूप का इसमें वर्णन दिया गया है। पेज पलटिए, अब इसका शब्द रूप अपने कॉपी पे लिखिए। यहाँ विभक्ति है एक वचन द्विवचन बहुवचन, अपने कॉपी पर विभक्ति लिखिए लाइन पाड़िए, एक वचन लिखिए लाइन पाड़िए, द्विवचन लिखिए लाइन पाड़िए, बहुवचन लिखिए। लिखिए प्रथम, लिखिए प्रथम वाणी, वाणी वाणिनी वाणिनी द्वितीया, वाणी वाणिनी वाणिनी तृतीया, वाणिना वाणिभ्याम वाणिभि चतुर्थी, वाणिने वाणिभ्याम वाणिभ्य पंचमी, वाणिनः वाणिभ्याम वाणिभ्य षष्ठी, वाणिनः वाणिनो वाणिनां सप्तमी, वाणिनी वाणिनो वाणिषु। संबोधन हे वाणे हे वाणी हे वाणिनी हे वाणिनी, इसको अपने कॉपी पर लिख के इसको याद कीजिएगा। अब देख लिए ध्यानानि तथ्यानि, ईकारांत नपुंसक लिंग शब्दा अपि भवन्ति, ईकारांत नपुंसक लिंग शब्द होते हैं। जे एतेषां शब्दानाम् अपि रूपाणि प्रथमा द्वितीया विभक्तौ सदृशानि भवन्ति, जितने भी नपुंसक लिंग शब्द हैं उसका प्रथमा और द्वितीया एक ही तरह का होगा। प्रथमा में वाणी वाणिनी वाणिनी, द्वितीया में भी वाणी वाणिनी वाणिनी, और शेष रूप पुलिंग के समान चलेगा। शेष रूप किसके समान चलेगा, पुलिंग के समान चलेगा। एक बार शब्द रूप को हम पुनः फिर दोहरा लेते हैं, वाणी वाणिनी वाणिनी, वाणी वाणिनी वाणिनी, उच्चारण कीजिए और लिख लीजिए, वाणी वाणिनी वाणिनी। द्वितीया वाणी वाणिनी वाणिनी, द्वितीया वाणी वाणिनी वाणिनी,
तृतीया वाड़ी न, तृतीया के एक वचन में क्या होगा, वाड़ी न, वाड़ी भ्याम, क्या हो जाएगा, वाड़ी भ्याम, वाड़ी भी, क्या हो जाएगा, वाड़ी भी। चतुर्थी वाड़ी ने, वाड़ी ने, वाड़ी भ्याम, वाड़ी भ्याम, वाड़ी भ्य, वाड़ी भ्य। पंचमी में वाड़ी न, वाड़ी भ्याम, वाड़ी भ्य। पंचमी फिर से सुन लीजिए, वाड़ी न, वाड़ी भ्याम, वाड़ी भ्य। खष्टी वाड़ी न, वाड़ी नो, वाड़ी नाम। खष्टी वाड़ी न, वाड़ी नो, वाड़ी नाम। सप्तमी वाड़िनी, वाड़ी नो, वाड़ी शु। संबोधन हे वाड़े, हे वाड़ी, हे वाड़िनी, हे वाड़िनी। इस तरह यह वाड़ी शब्द अपने कॉपी पर लिख के इसको याद कीजिएगा। अगले वीडियो में अगले पाठ लेके आएंगे। धन्यवाद।